हम कर रहे थे हमारी क्लास टू मैथ्स का चैप्टर 12 गिव एंड टेक, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पेज 97 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे बहुत सारी प्रैक्टिस सम है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस टाइम, ऑल्सो डू इट इन योर माइंड। अब हमें कुछ सम्स की प्रैक्टिस करनी है, बिना लिखे प्रैक्टिस करेंगे। तनिषा है 17 पेंसिल्स, सिया है 25 पेंसिल्स। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल? तनिषा और सिया कि दो पेंसिल्स हैं 17, 25, इनका टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? देखो ये आंट है, ये अपना प्रोसेस बता रही है। ये बोल रही है इफ़ सिया गिव्स 3 पेंसिल्स, ये बोल रही है यदि सिया की जो 25 पेंसिल्स है इसमें से ये 3 पेंसिल्स तनिषा को दे देती है तो तनिषा की पेंसिल कितनी हो जाएंगी? 17 + 3 20 पेंसिल हो जाएंगी, तो सिया विल हैव 22 पेंसिल। अब तनिषा के पास तो होगी 17 + 3 20, तो सिया की पेंसिल्स 25 में से 3 लेस हो जाएंगी तो इसके पास बचेंगी 22 पेंसिल्स। ठीक है, तो इट इज़ ईजी टू एट 20 + 22। तनिषा के पास हो गई 20 पेंसिल्स, सिया के पास होंगी 22, तो अब ये 20 और 22 प्लस करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो इसने क्या किया, डिजिट्स को इजी बना दिया है। ठीक है, 17 को 20 में कन्वर्ट कर दिया, 25 को 22 में कन्वर्ट कर दिया, और 20 और 21 42 आ गया। लेकिन हम इस तरह से क्यों करें कि हम पहले 20 सिया के 25 में से 3 लेस करें, फिर 27 में ऐड करें, फिर जो नंबर आएगा उसमें से लेस करें, ऐड करें, इतना क्यों करना? हम सिंपल प्रोसेस से कर लेते हैं ना। तो ऐसे हमने 7 और 5 को ऐड किया तो हमारा 12 आ गया। 12 का 2 हमने लिख दिया, 1 यहाँ कैरी दे दिया, 1 और 2 4 हो गया, तो ये हो गया 42। ठीक है, और इसी मेथड से हम सम आगे कंटिन्यू करेंगे। इन मुनीजाज क्लास, एक गर्ल है मुनीजा, उसकी क्लास में क्या है देखो, देयर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स एंड 22 हिंदी स्टोरी बुक्स। इसकी क्लास में 13 तो है इंग्लिश की बुक्स, 22 है हिंदी की बुक्स, तो ये बोल रहे हैं हाउ मैनी स्टोरीज बुक देयर इन ऑल, टोटल कितनी बुक्स हैं? प्लस कर देना है सिंपल, 3 और 2 होते हैं 5, 1 और 2 होते हैं 3, तो ये हो गए 35 पेंसिल्स हो गई। साक्षी है 23 फ्रूट्स, शी एट 15 फ्रूट्स, हाउ मैनी फ्रूट्स आर लेफ्ट? साक्षी के पास 23 फ्रूट्स थे, 15 उसने खा लिए हैं, कितने बचते हैं उसके पास में? लेस कर देंगे, 3 में से 5 लेस करना है, 3 स्मॉल नंबर है, 5 बिग नंबर है, तो 3 में से 5 तो लेस नहीं होगा, तो हम इस 3 को बिग नंबर बना दें। इस ये वाले नंबर जो हैं ये टेंस के फॉर्म में होते हैं और ये वाले वंस के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ 2 है मतलब ये 210 है, और ये 1 है ये 110 है, तो इस 210 में से 110 हम यहाँ 3 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 + 3 13। अब 13 में से हम जब 5 लेस कर देंगे तो हमारे पास में बचेगा ये 8। ठीक है, अब यहाँ हम 1 इसको 110 यहाँ दे चुके थे कैरी के फॉर्म में, तो 1 बचा, 1 में से 1 ये क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ 0, तो साक्षी के पास में ओनली 8 फ्रूट्स बचते हैं। दलजीत हैज 35 मार्बल्स, अरविंद हैज 25 मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल? अब देखो दलजीत के 35 हैं और अरविंद के 25 हैं, इनको ऐड कर दें, 5 और 5 होता है 10, 10 में से 0 हमने यहाँ लिख दी और 1 यहाँ कैरी दे दी, तो ये कितने हो गए, 1 और 3 2, टोटल होगा 6, तो ये हो गए 60 मार्बल्स। निशा हैज 32 बैंगल्स, सुखी हैज 16 बैंगल्स, निशा के पास 32 बैंगल्स हैं और सुखी के पास है 16, हाउ मैनी मोर बैंगल्स डस निशा हैव? तो निशा के पास ज़्यादा हैं, अब ये पूछ रहे हैं कितने बैंगल्स ज़्यादा हैं निशा के पास में सुखी से, तो हम 32 में से 16 को लेस कर देंगे, ये रहा लेस का साइन माइनस, अब 2 स्मॉल नंबर है, 6 लार्ज नंबर है, तो हम 2 को लार्ज नंबर बना लेते हैं, इसका 110 हम यहाँ ऐड कर देंगे, ये 10 + 2 हो गया 12, अब 12 में से 6 लेस करेंगे तो आ जाएगा 6, अब 1 हम 10 यहाँ दे चुके हैं तो ये हो गया 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो हमारे पास में इसके पास में 16 बैंगल्स निशा के पास जाता है।
वेंकटेश कैंटीन, ये एक मैन है, इसका नाम है वेंकटेश, इसकी एक कैंटीन है जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें सर्व करता है। तो देखो बहुत सारे यहाँ पर पीपल बैठे हुए हैं, अब ये क्या कर रहा है, इनका बिल बना रहा है, तो हम इसके बिल बनाने में हेल्प कर देते हैं। वही ये बोल रहा है, हेल्प वेंकटेश टू मेक द बिल्स, हमको बिल बनाने में हेल्प करनी है। देखो पहला बिल क्या है, ये कस्टमर बैठे हुए हैं, इन्होंने डोसा खाया और उत्तपम खाया है, तो डोसा है 23 का, उत्तपम है 28 का, टोटल बिल कितना हो गया, 3 + 8 करेंगे तो 11, 11 का 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी दे देंगे, ये हो जाएगा 5, तो कितना बिल हो गया, 51। अब इडली एंड कॉफ़ी, 15 + 8 5 और 8 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 13 का 3 यहाँ ऐड कर दिया, 1 यहाँ 2, तो ये हो गया 23। अब ये दही बड़ा है 25 का, चिली राइस है 18 के, 5 + 8 करेंगे तो ये हो गया 13, 13 का 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ दे देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये हो गया 43। सूप है 27 का, नूडल्स है 15 के, 7 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 का 2 यहाँ लिख दिया, कैरी 1 दे दी तो ये हो गया 4, तो ये कितना हो गया 42। इट्स टाइम टू बाय, ये गर्ल आपको याद है हमारे प्रीवियस चैप्टर में थी, इसको स्कूल से होमवर्क मिला था, तो ये अपने होमवर्क में हेल्प लेने के लिए अंकल के पास में आई थी, तो अब ये दोबारा से अंकल के पास आती है, तो ये अंकल इसको देखकर बोलते हैं, ओ यू अगेन मोर होमवर्क, क्या तुम्हें दोबारा से होमवर्क ज़्यादा मिला है, तो ये बोलती है नो दिस टाइम आई हैव टू बाई 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स, ये बोलती नहीं मैं आज आपके पास में 8 पेंसिल्स और 5 इरेजर्स लेने आई हूँ। श्योर, ये अंकल बोलते हैं श्योर हो तुम, द पेंसिल कॉस्ट 16 रुपीज़, ये बोल रहे हैं कि पेंसिल्स की कॉस्ट है 16 रुपीज़, द इरेजर्स कॉस्ट 15 रुपीज़ और इरेजर है 15 रुपीज़ की। अब ये सोचते हैं हम 16 रुपीज़ मीन्स 110 रुपी नोट एंड 6 रुपी कॉइन, तो ये बोलती है 6 रुपीज़, सोचती है 60 रुपीज़ कितने होते हैं, 60 रुपीज़ में 110 होता है पेपर का नोट और 6 होते हैं कॉइन वाले, तो ये हो गया पेंसिल की कॉस्ट। अब ये क्या है, देखो ये है 110 और ये है 5 कॉइन, तो 15 ये है इरेजर की कॉस्ट। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, तो ये बोल रही है कि मैं इस तरह से सबको लिख देती हूँ, ये 16 पेंसिल की कॉस्ट हो गई, 15 इरेजर की कॉस्ट हो गई। देखो इस वाली लाइन में तो होते हैं कॉइन्स वाले नोट्स और इसमें होते हैं पेपर वाले नोट, इसका मतलब ये तो होते हैं जो वंस के नंबर होते हैं वो, और ये होते हैं टेंस के नंबर, इसलिए यहाँ 10 का रुपीज़ बना दिया, यहाँ कॉइन बना दिया है। अब देखो 6 + 5 ऐड करेंगे तो 11 होते हैं, 11 का 1 हम यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ स्मॉल 1 कैरी आ जाएगी तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 31। आई पुट द कॉइन्स टूगेदर, देयर आर 11 कॉइन्स दैट बिकम 10 and 1, तो ये वही सम सॉल्व कर दिया इसने, 6 और 5 हो गया 10, 10 का 1 यहाँ लिख दिया और एक पेपर नोट यहाँ दे दिया तो ये हो जाएगा 3, अब 3 नेक्स्ट में कर रही है वो, तो ये 31 कर दिया उसने, तो ये अंकल बोल रहे हैं वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल, ये अंकल बोल रहे हैं वेरी गुड, यहाँ पर 3 नोट्स हैं एंड 1 कॉइन है। आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव 40 रुपीज़, ये गर्ल बोल रही है कि जब मैं पेंसिल और इरेजर ले लूँगी तो मैं 31 रुपीज़ पे करूँगी बट मेरे पास तो 40 रुपीज़ है, तो ये अंकल बोल रहे हैं सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक, तो अब तुम ये पता करो, मालूम निकालो कि तुम्हें कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखो कैसे, इसके पास 40 रुपीज़ है, 31 का सामान ले लिया तो लेस कर देंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, देखो ये 0 है ये 1 है, हम इसमें से 110 यहाँ ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है, अब 4 में से 110 हमने यहाँ दिया था तो यहाँ 3 बचा, तो 3 में से 3 0 हो जाएगा, तो इसको 9 जो कॉइन है वो वापस मिलेंगे, तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं, इसको ये बोल रही है आई विल गेट बैक 9 रुपीज़, ठीक है, तो इसको 9 रुपीज़ मिल जाएंगे। 9 रुपीज़ कैसे होते हैं, ये कॉइन वाले यहाँ 9 रुपीज़ हैं। प्रैक्टिस टाइम,
शेखर हैज 32 रुपीज़, ही बाउट अ बॉल फॉर 17 रुपीज़, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद देम। देखो शेखर के पास 32 रुपीज़ थे, 17 रुपीज़ का उसने एक बॉल ले लिया, अब इसके पास कितने लेफ्ट हैं माइनस कर देंगे, यहाँ पर कॉइन वाले रुपीज़ हैं, यहाँ 10 वाले हैं, यानी ये 3 10 है, ये 1 10 है, तो ये एक आंट है, ये स्वयं कैसे करेगी, ये बोल रही है आई हैव अ शॉर्टकट, मेरे पास एक शॉर्टकट है सबको करने का, इफ़ आई टेक अवे 2 कॉइन्स फ्रॉम 22 एंड 2 कॉइन्स फ्रॉम 17, ये वही काम कर रही है कि 2 कॉइन्स तो ये 30 में से लेस कर देगी, तो ये हो जाएगा 32 में से 2 लेस कर दी तो ये आ गया 30, और 17 में से भी 2 लेस कर देगी तो ये हो जाएगा 15, तो अब यहाँ 30 माइनस 15 तो आंसर हो जाएगा 15, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा 15, लेकिन हम ये इतना तामझाम क्यों करें कि हम पहले इसके 2 कॉइन निकालें, फिर इसके 2 कॉइन निकालें, फिर जो आएगा उसमें से हम लेस करें, हम सिंपल प्रोसेस से मैथ करते हैं, देखो ये 32 है, 32 में से 17 हमको लेस करना है, ठीक है, तो ये 12 स्मॉल नंबर है तो हम इसको लार्ज कर देते हैं, हम 3 में से 110 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 में से अब हम जब 7 लेस करेंगे तो देखो जब 12 में से 7 लेस किया तो हमारे पास में आ गया 5, ठीक है, अब 3 में से हमने 110 यहाँ दिया था तो यहाँ 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 बचा तो हमारे पास आ गया 15, ठीक है, तो शेखर के पास में 15 रुपीज़ बचेंगे। सोनी वॉट बिस्किट्स फॉर 24 रुपीज़ एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स 16 रुपीज़, हाउ मच मनी विल शी पे। देखो ये गर्ल है सोनी, इसके पास में 24 रुपीज़ के तो इसने ले लिए बिस्किट्स और 16 का ले लिया इसने चिप्स, अभी बोल रही है टोटल कितने हैं, ट्राई डूइंग इट विदाउट राइटिंग, आप ये कोशिश करो, आप बिना लिखे कैसे करोगे, तो सिंपल है ये 4 और 6 को हम ऐड कर देंगे तो 10 का हम 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 1, ये हो गया 4, तो ये हो गया हमारे पास में कितने 40 रुपीज़, ठीक है, तो ये सोने के पास में टोटल 40 रुपीज़ का इसने सामान ले लिया है। अब क्या है देखो, फंतोष हैड 64 रुपीज़, ये बॉय है, इसका नाम है फंतोष, इसके पास 64 रुपीज़ हैं, ही स्पेंट 39 रुपीज़ एट द फेयर, अब इसने ये मेले घूमने गया था, मेले में इसने 39 रुपीज़ खर्च कर दिए, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हेम, अब कितने इसके पास बचे हैं तो हम माइनस करेंगे, तो 64 में से 39 हम माइनस कर देंगे, तो देखो ऑल्सो फाइंड अ वे टू डू दिस विदाउट राइटिंग, आप कोशिश करो कि आप बिना लिखे से कैसे सॉल्व करोगे, तो ये 4 है, 4 को हम बड़ा नंबर बना लेते हैं तो हम 6 में से 110 यहाँ दे देंगे तो ये हो जाएगा 14, जब 14 में से हम 9 को लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, अब 6 में से हम 110 निकाल चुके तो यहाँ आ गया 5 में से 3 गए तो 2, तो ये हो गया 25, तो फंतोष के पास में 25 रुपीज़ अभी और हैं, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।